दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही अदालत ने संजय सिंह के वकील को पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को बहस होगी। इस बीच जांच एजेंसी ईडी की ओर से कहा गया कि गवाह संरक्षण प्रावधान के तहत किसी भी गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। ईडी की इस मांग पर संजय सिंह के वकील ने आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वकील फारूक खान ने कोर्ट में ईडी के रुख की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी ने सोमवार को एक दिन आवेदन दिया। इसमें कहा गया कि गवाह संरक्षण प्रावधान के तहत किसी भी गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। ईडी की इस आवेदन पर हमारी ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। हमने कहा कि यदि जांच एजेंसी ऐसा आवेदन दायर करना चाहती है तो उसे पहले से ही ऐसा करना चाहिए था। संजय सिंह के वकील फारूक खान ने कहा, ऐसे में जब जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है तो ऐसा किया जाना उचित नहीं है। फारूक खान ने अदालत में प्रस्तुत की गई अपनी दलीलों में कहा, ये सब जल्दबाजी की तकनीकें हैं ताकि 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए लगी हमारी जमानत याचिका निरर्थ हो जाए। दरअसल ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि एक संरक्षित गवाह का नाम का गलती से उल्लेख कर दिया गया था, इस वजह से सुरक्षा के कारण वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं आएंगे। इसके बाद अदालत ने अंतरिम अदालत के लिए आदेश सुरक्षित कर लिया। साथ ही अदालत के कर्मचारियों को फाइल गुप्त रखने के निर्देश दिए गए। अदालत ने संजय सिंह के वकील को पूरक आरोप पत्र की अग्रिम प्रति देने का आदेश देते हुए ईडी की मांग भी मान ली है।